द फर्स्ट क्वेश्चन इज 17/30, 17/30 एंड सॉल्यूशन इज गिवन अबाउट 27/30, तो इट इज रॉन्ग, इट शुड बी 17/30 ओनली। अगर यहाँ पे 27 लिखा तो यहाँ पे भी 27/30 आपको करना पड़ेगा, इसलिए मिस्टेक है यहाँ पे। ओके सो इफ 17/30 द क्वेश्चन, लेट अस टेक द न्यू पेज 17/30 या 27, बिकॉज 27/30 दिया था, हम 17/30 से भी पहले कर लेते हैं, देन दैट क्वेश्चन ऑल्सो विल सॉल्व। 17/30 वी हैव टू कन्वर्ट इन टू परसेंटेज, हमको इसे ही क्या करना है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था कि दैट इफ यू आर कन्वर्टिंग इन टू परसेंटेज देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, बट इफ़ यू आर कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इन टू परसेंटेज तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस इज फ्रैक्शन ना, ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। लेट मी मेक माई पेन लिटिल थिक, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही थिन आ रहा है ये, थोड़ा सा हो जाएगा मोटा। ओके इट्स ओके नाउ, चलो मल्टीप्लाई बाई 100। सो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 है क्या, 100 इज अ होल नंबर, होल नंबर तो आपको पता है ना, एवरी नंबर विच इज स्टार्टिंग विद 0, 0, 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट, जितना भी आप काउंट कर सको, सारा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होके जिसका कोई एंड नहीं होता है, जो भी नंबर हो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें एवरी होल नंबर कॉन्टेन वन एज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो आपको पता है ना कि ये ऊपर वाला जो होता है दिस इज न्यूमरेटर, एंड जो डाउन साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एवरी होल नंबर, ये जीरो होल नंबर है तो इसके अपन वन हम लिख सकते हैं, वन भी होल नंबर है ना तो वन अपन वन हम लिख सकते हैं, टू होल नंबर है तो टू अपन वन लिख सकते हैं, ठीक है, थ्री होल नंबर है 3/1 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब सिमिलरली कोई भी होल नंबर होगा तो उसके अपन 1 हम लिख सकते हैं, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग, रिमेंबर इट। ओके नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, लेट मी रेज इट, टेक द पेन, तो आई एम राइटिंग 100/1 टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किया हुआ, एक तो फ्रैक्शन में है एंड अदर इज होल नंबर, तो आप कन्फ्यूज हो गए कि इसको क्या करें अभी। तो दिस तो यू नो ना कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यू नो दिस इज फ्रैक्शन, नाउ दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, तो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस 100 इज ऑल्सो न्यूमरेटर, 17 and 100 बोथ आर न्यूमरेटर, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इन मल्टीप्लीकेशन साइन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, तो हम 17 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1700। ओके डाउन साइड में 30 × 1, तो 30 अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, तो 30 × 1 = 30, तो 30 यू विल गेट हियर। नाउ 10 से 10 आप कट कर सकते हो क्योंकि दोनों जगह जीरो है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन, लेफ्ट हियर अप साइड 170 ऊपर बच गया एंड डाउन साइड व्हाट 3, तो 130 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 170 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्टली हम यहीं पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, चलो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, कितना टाइम गया, 5 टाइम गया, तो क्या बचा यहाँ, 17 − 15 कितना 2 बचेगा, और एक जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है तो 20 हो गया। अभी 3 कितना टाइम जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, फिर से 2 बचेगा तो इसका मतलब 6 6 6 ही रहेगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 56.66%। ओके 56.66% विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन पे लौटते हैं, व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज 17/30, बट यहाँ पे बाय मिस्टेक दिया था क्या, लेट मी, बाय मिस्टेक क्या दे दिया था, 27 लिख दिया था इसने, तो 27 के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करोगे तो 27 के अकॉर्डिंग भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं करके, देखो 27/30 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी अगेन 100/1 आप राइट कर सकते हो बिकॉज 100 इज होल नंबर,
तो 100/1 आपने लिख दिया। अब 1 0 6 0 आप कट कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब यहाँ नीचे क्या बचा, 3 बचा, और 3 इस 27 को डिवाइड कर सकता है कितना टाइम में, 9 टाइम में, 3 9 जा 27। अब यहाँ केवल 9 बचा है और 10 बचा है, इस 1 का तो कोई वैल्यू नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे वही आएगा आंसर। तो 9 10 जा कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो 90 अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज में आपका आंसर आएगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर, 90%। व्हाट, 90%। इरेज कर देते हैं अच्छे से, इसको लिखते हैं 90%। ठीक है, अंडरस्टूड, सी यर 90% इज द आंसर। तो 27/30 को मल्टीप्लाई कैसे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो भी कट होने वाले नंबर है दैट वी विल कट, एंड देन आफ्टर वी विल गेट आवर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।